यदि आप ना प्रीलिम्स में फेल हुए थे, इस साल भी आप 10 घंटे पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ रहे हो, तो रिजल्ट वही आने वाला है, फेल होने वाले हो। फिर की ग्रुप स्टडी कैसे करें? और फिर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ है ना इजी नहीं होती। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो पिछला वीडियो मतलब आप सब लोगों ने काफी लाइक किया और काफी मतलब कि आपने कमेंट सेक्शन वगैरह में बढ़िया बढ़िया कमेंट किए। एक दो कमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगे थे। एक कमेंट ना मतलब कि किसी ने कर रखा था कि सर आपके वीडियो तो ना मतलब बढ़िया होते हैं, इंस्पिरेशन वाले, कमेंट्स भी ना बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। तो ये एक मतलब कि बड़ा पॉजिटिव कमेंट लगा कि आप सब लोग कमेंट्स भी ना मतलब कितने बढ़िया बढ़िया करते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि किसी ने बोला कि मैं सर, एक ने प्रॉमिस किया था सर कि मैं ना 2 साल के अंदर अंदर है ना सक्सेसफुल होके आपसे ना मतलब कि मिलने आऊंगा, तो मतलब वो उसमें लगा कि कितना जज्बा है, कितनी इंस्पिरेशन है। तो उसी तरीके से आप भी बताओ कि मतलब आपने क्या टारगेट रखा है कि सर हाँ विद इन 3 ईयर्स आई विल अचीव इट, विद इन 4 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 6 मंथ्स, इस तरीके का आपका क्या टारगेट है और फिर आप कब तक उसको अचीव करोगे। ठीक है, ये सब चीज छोड़ने के बाद अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट लाइफ के ना 7 रूथलेस रूल्स होने चाहिए। क्या रूल्स होने चाहिए, इनको जिंदगी में आपको अपनाना पड़ेगा। और अब ना ये वीडियो वो मत देखना जिनको ना लगता है कि बहुत सारी चीजें है ना जिंदगी में आसान होती हैं, जैसे लगता है हाँ यूपीएससी निकालना भी आसान है, उसके मम्मी पापा तो आईएएस थे, आईपीएस थे, उसको बड़ी एजुकेशन मिल गई इसलिए वो निकल गया। उस तरीके का वीडियो नहीं है, कोई भी इसमें मीठी मीठी बातें नहीं होने वाली। जैसे जनरली ना मतलब कि यूट्यूब वीडियो में बोलते हैं ना हमारा सिलेबस पढ़ लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, ये केवल रूथलेस बातें हैं जो लगभग जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो नोइंगली और अननोइंगली वो उनके बिहेवियर के अंदर वो बातें होती है। तो आज हम उन 7 रूथलेस नियम की बात करने वाले हैं। पहला है डू द वर्क इमीडिएटली। ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आइडिया आया, आपके पास आइडिया आया कि क्यों नहीं इथिक्स के क्वेश्चन को वैल्यू एड करने के लिए हम जो इंस्टीट्यूशंस के मोटो होते हैं ना उसमें सबसे बड़ी मोरलिटी होती है। जैसे है ना मतलब कि मेरा इंस्टीट्यूट था IIT BHU, तो उसका ना जो मतलब लोगो था ना वो था वर्क इज वर्शिप। मतलब ये है ना जो अपनी वर्क इथिक्स, जो मतलब कि अपना टॉपिक है जीएस में, वर्क इथिक्स के अंदर है ना ये चीज है ना मतलब कि जुड़ सकती है। इसी तरीके से है ना मतलब जो आर्मी का है कि सेवार्थ, मतलब कि सबसे सर्विस टू द नेशन इज द फर्स्ट गोल, तो मतलब कि ये जो मतलब कि जो अपनी सेक्रीफाइस करने की वैल्यू या फिर ना मतलब अपनी सर्विस की ड्यूटीफुलनेस की वैल्यू है उसको शो करता है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि यार ये जो इंस्टीट्यूशन के लोगों हैं, सुप्रीम कोर्ट का, कैक का, या फिर जितनी भी IIT है, NIT है, जितनी भी कॉलेज, उनके जो मोटो हैं, जो लोगो हैं, वो बहुत इथिक्स की एक बड़ी वैल्यू है, तो आप उसको ठीक है बाद में करेंगे। यदि आपने ये सोचा है ना बाद में करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप उसको नहीं करोगे। तो यदि इस प्रकार का कोई भी आइडिया आए तो डू द वर्क इमीडिएटली। जैसे ही आपके पास कोई भी बढ़िया आइडिया आए, जैसे ही आपको ऐसे लगे, जैसे आपने कोई मतलब मानो कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट पढ़ा, आपको लगे यार इसमें तो थिंकर नहीं है, आपने उसी टाइम पे गूगल किया और गूगल करते ही उसको वहीं पे खत्म कर दिया। ये पहला रूथलेस नियम आपको लेना पड़ेगा जीवन में कि डू द वर्क इमीडिएटली। ठीक है, एक चीज और आप करना, 7 नियम को जब भी ये आप वीडियो पूरा देख लो उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर इनको लिखना जरूर है, ताकि आप ना मतलब रिवाइज आपको पता चल जाएगी कितने मुझे याद हो गए। और जैसा मैंने पिछली बार बोला था, लिख दिया ना आपने तो वो चीज दोबारा नहीं होगी। जैसे बुलसाई वाले कंसेप्ट के अंदर मैंने बताया था, जो लोग भी गलती कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में यदि लिख दिया ना हाँ सर मैं ये गलती कर रहा हूं, तो दिमाग को ध्यान में रहेगा कि हाँ मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि मैं गलती कर रहा हूं, तो दोबारा गलती नहीं करेगा। उसी तरीके से जो 7 रूल है लिख दिए तो आपकी लाइफ में उतर जाएंगे। सेकेंड है रिलाई ऑन योर सेल्फ। जैसे कि ना मतलब कि बहुत सारे है ना स्टूडेंट्स है ना कि सर इस कोचिंग को ज्वाइन कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, सर इस XYZ कोचिंग के नोट्स पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मेरा उत्तर है नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको ना मतलब कि यार ये बताओ जब 1 लाख लोग उसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या 1 लाख लोग उस नोट्स को पढ़ रहे हैं, जब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपका कैसे होगा। फिर सर कि ना मतलब कि कुछ लोगों ने तो बोला कि उन्हीं का हो गया, तो पहली बात है या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मतलब आपने एक रीडिंग में जितना पढ़ा उनको उनसे ज्यादा याद हो गया होगा, या उनके अंदर कुछ नेचुरल है ना आंसर राइटिंग का टैलेंट होगा, या उन्होंने मतलब एक नोट्स पढ़ने के बाद बहुत मल्टीपल टाइम रिविजन कर लिया होगा, वैसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि
आपको मतलब कि मल्टीपल जगह से चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपने ना मतलब स्पेक्ट्रम, जैसे हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री के लिए वो अपना फाउंडेशन है। फिर आपको लगता है यार कोई कुछ चैप्टर कमजोर है, तो आपका कहीं से वैल्यू एडिशन हो जाता है। विजन की जब टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो इतने बड़े बड़े सोल्यूशन आते हैं, वहां से कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है, कुछ नोट्स से वैल्यू एडिशन, कुछ रिविजन नोट से वैल्यू एडिशन हो जाता है। इस तरीके से जब वैल्यू एडिशन बहुत सारे होते हैं ना, और वो करने किसको है, आपको खुद को, किसी और के भरोसे ना मतलब नहीं रहोगे। जैसे कि कुछ कमेंट सेक्शन में लिख रखा था सर कि ग्रुप स्टडी कैसे करें, मेरे पास कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है, खुद को ही अब आप ग्रुप मानो। आपको हमेशा अपने ऊपर रिलाई करना है, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। अब मैं भी यदि मेरी एडवाइस दे रहा हूं, आपको लगे कि मेरी लाइफ के अंदर ये एडवाइस सर काम आ सकती है तो अप्लाई करो, नहीं आ सकती ना तो उसको इग्नोर करो। तो सेकंड चीज है कि हमेशा किसी भी काम को करने के लिए ना वो खुद के ऊपर ना रिलाई करते हैं। जैसे जिन जिन टॉपिक्स के लिए मैंने दूसरों के ऊपर रिलाई किया था कि हाँ ये तो मेरा दोस्त बना लेगा, उस टॉपिक को मैं पढ़ लूंगा, वो सारे टॉपिक्स मेरे हमेशा कमजोर रहे थे। जिन टॉपिक्स को जिम्मेदारी मैंने ली थी कि हाँ ये मैं तैयार करूंगा, पूरा पढ़ूंगा, इसकी आंसर राइटिंग करूंगा, वो टॉपिक हमेशा मजबूत हो गए थे। तो लाइफ का रूल नंबर टू जो आज से आपको ध्यान रखना है कि रिलाई ऑन योरसेल्फ, किसी और के ऊपर आपको कोई भी रिलाई करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, लिव विच यू कांट कंट्रोल, तीसरी चीज है ये। जैसे कि मैंने आपको ना पहले भी जैसे कि ये चीज बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, और जो हाथ में नहीं है ना तो उसको सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि एकदम हार्ड एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि अब ना मैं जब इंटरव्यू दे रहा था उससे पहले मेरे ताऊजी की डेथ हो गई थी, ठीक है। अब उसको मेरे को ना मतलब कि उनके जो सारे क्रियाक्रम करके 15 दिन के अंदर ना यूपीएससी का इंटरव्यू देना था, और उसमें ना मैं पहला इंटरव्यू एक कोचिंग के अंदर देने गया, एकदम भयंकर हालत खराब हो गई, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों से करंट अफेयर के साथ कोई भी चीज मैंने पढ़ी भी नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन अब 15 डेज के अंदर देना है, लेकिन तो उस समय बस एक ही चीज दिमाग में कि अब मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे पास केवल 15 डेज हैं, उनके अंदर मैं मैक्सिमम यदि हर दिन इतना पढ़ लूं कि एक नंबर भी इंप्रूव हो जाए तो मेरा 15 नंबर इंप्रूव कर लूंगा, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। तो इसी तरीके से आपके साथ जीवन में ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेंस के पेपर से पहले मुझे बताया था कि मेरा एडमिट कार्ड गुम गया था, मैंने जो पेन मतलब लिख रहा था वो टूट गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उस समय आपको वो इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि ठीक है जो हो गया वो हो गया। तो अब ना मतलब कि आप तैयारी कर रहे हो, उस दौरान आपके ना घर से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उन चीजों को आप कभी पकड़ के नहीं बैठ सकते कि मेरे जीवन में ऐसी चीजें हो रही हैं। आपके जीवन में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास ना मतलब उतनी इनकम नहीं हो कि आपको ना वो बहुत बढ़िया कोचिंग के अंदर आपको मतलब कोचिंग कराएं, तो उसमें ऐसे रोना नहीं कि वो तो कोचिंग कर रहा है मैं नहीं कर रहा। लिव विच यू कांट कंट्रोल। फिर फोर्थ है, से नो टू द टॉक्सिक कंटेंट। टॉक्सिक कंटेंट क्या, खाने के लिए जंक फूड, खराब जो भी खाना है नहीं खाना, सीधी बात। दूसरा, थॉट भी टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि एग्जाम बड़ा हार्ड है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम पास में आ गया, तैयारी नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, इस तरीके का आदमी है तो उसको बोले चुपचाप चला जाए यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ना लाइफ में टॉक्सिक जो लोग होते हैं उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो ही आपको ना मतलब कि हर प्रकार की, जैसे कि आपने ना, मैं बताता हूँ टॉक्सिक कंटेंट को किस तरीके से हैंडल करते हैं। मैं जब आरएस का जब प्रीलिम्स देने जा रहा था तो मैं आराम से बैठा था मेरा कि ठीक है आराम से प्रीलिम्स देके आएंगे, तैयारी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर है ना साइड में एक अंकल अपनी बेटी को लेके आए थे, उसको बता रहे थे कि इस साल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं उनकी तरफ देख रहा, मेरे को देख के मेरे को बोलते हैं क्या बेटा तूने ना मतलब कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ लिया, तूने ये पढ़ लिया। ऐसे 5-7 टॉपिक हो उन्होंने रेंडमली जल्दी जल्दी बोले। तो अब है ना, या दो रिस्पॉन्स हो सकते थे, या तो ना वो टॉक्सिक कंटेंट मेरी तरफ आया, ठीक है, और सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे को एक बार जल्दी से मैं किताब निकाल लेता हूँ ये पढ़ा। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैंने ये तो पढ़ ही लिया सारा, मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस बार और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस बार पक्का आएगा, और ये आर्टिकल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीजें उसको बता दी, उसने जाके अपनी बेटी को बता दी जाके उधर कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो टॉक्सिक कंटेंट देने आया ना उसी को टॉक्सिक कंटेंट देके भेज दिया। तो ये आपको जीवन में ना पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीज टॉक्सिक कंटेंट है, कौन सी चीज टॉक्सिक कंटेंट नहीं है। और आजकल तो आधा मार्केट ही टॉक्सिक हो रखा है, मतलब कि आपको हर कुछ ही पढ़ा रहा है, हर कुछ ही मतलब कि क्लास के अंदर है ना मतलब कि पढ़ाना है, उस टाइम पे आपको कहानियां सुना रहा है, जोक सुना रहा है। भाई साहब ये तो एकदम फैक्ट की बात है, लिख के ले लो आज ही, यदि कहानियां और जोक सुनने से यदि लोग आईएएस बनते ना तो अब तक है ना मतलब कि जो गांव पे है ना जो चौपाल पे बैठे जो जोक और कहानियां बनाते हैं ना वो अब तक है ना मतलब कि चीफ सेक्रेटरी बन गए होते। अगली कि ना सेम एफर्ट डालने से सेम रिजल्ट आएगा बार बार।
मतलब यदि आपने पिछले साल भी 10 घंटे पढ़ा था उसी तरीके से पढ़ा था, तो यदि आप ना प्रीलिम्स में फेल हुए थे, इस साल भी आप 10 घंटे पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ रहे हो, तो रिजल्ट वही आने वाला है, फेल होने वाले हो, नहीं होगा कोई भी इलाज। जैसा मैंने वीडियो स्टार्टिंग में पहले बोला था कि बातें होंगी हार्ड, तो इसमें या तो आप ना मतलब एफर्ट का जो मतलब क्वांटिटी बढ़ा दो, मतलब आप पहले 10 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 12 घंटे पढ़ो, या फिर उसकी क्वालिटी बढ़ा दो, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करोगे, जो अपने सीक्रेट ऑफ सुपर स्टूडेंट चल रहे हैं उनको देखो और वहां से समझो यार कि किस तरीके से स्मार्ट स्टडी ना मतलब की जाती है। तो मतलब जो बार है ना, एक स्टैंडर्ड बार होता है कि ये इतनी जनता तैयारी कर रही है, उसको इतने हार्ड तरीके से ब्रेक करो, ठीक है। जैसे ईगल की कहानी सुनी होगी आपने कि जब बारिश होती है ना तो सारे जो तितर मित्र होते हैं ना वो इधर उधर ना घोंसलों में जाते हैं, लेकिन जो चील होती है ना वो मतलब कि क्लाउड से ऊपर उड़ने लग जाती है, तो उसको बारिश का ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि एक है ना 12 घंटे से तो दुनिया पढ़ रही है तो मैं 12 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा। 12 घंटे से ज्यादा पढ़ने के बाद आपका मतलब कि रिजल्ट के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर होगा। तो अपने एफर्ट सेम रखते हुए, अपनी अप्रोच सेम रखते हुए, आप कभी भी दूसरा एस्पेक्ट मतलब रिजल्ट यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो वो आपकी गलती है, यूपीएससी की गलती नहीं है। सिक्स्थ, लाइफ एंड एग्जाम इज हार्ड, एक्सेप्ट इट। कोई मतलब ये कहे कि हाँ एग्जाम बहुत इजी सा ये है, अरे भाई नहीं है इजी। क्यों नहीं है इजी यार, कि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर ना सारे आईआईटी वाले, सारे ना आईआईएम वाले, सारे ना डीयू वाले, जेएनयू वाले सब बैठ रहे हैं, सीटें हैं घूम फिर के हजार। इंडिया के अंदर मतलब कि 500-600 तो जिले हैं, उन जिलों में से यदि हर जिले से एक एक भी निकाल लो, दिल्ली जैसी जगह से बहुत आ जाते हैं, तो यदि हर जिले का एक भी आदमी आ गया ना तो ही सारी सीटें ना फिल हो जाती है। तो ऑब्वियसली एग्जाम हार्ड है, इसको ना मतलब कि आपको ना मैं मतलब कि कोई मतलब ऐसे बोलूं कि नहीं नहीं बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आराम से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे ही ना जो लाइफ है ना वो भी हार्ड है, और सभी की हार्ड है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ लोग है ना मतलब कि कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, सर हमारे पास पैसे नहीं है क्या हम तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारे पास ये नहीं है हम तैयारी कर सकते हैं, क्या हमारे पास दोस्त नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास गाइडेंस नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके से लिखते हैं। एक्सेप्ट करो भाई, लाइफ हार्ड है, नहीं है, बहुतों के पास नहीं होती, तो क्या करोगे, अब रोते रहोगे, रोते रहने से कोई यूपीएससी में सिलेक्शन तो होता नहीं है। तो आपको ना मतलब कि उस चीज को ना मतलब कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, फिर भी पढ़ूंगा और सिलेक्ट होऊंगा, ये वाला जज्बा चाहिए। और जिसके पास जज्बा है ना तो वो सिलेक्ट होता है, कई बहुत हार्ड हार्ड कंडीशन से ना लोग सिलेक्ट होते हुए आए हैं। और फिर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ है ना इजी नहीं होती, मतलब आपको लगता है कि हाँ यार अब गौरव या तो यहाँ खड़े हैं कि एकदम लाइफ चिल है, मतलब कि लेकिन जब जिस समय प्रिपरेशन कर रहे थे ना तो मतलब कि भूत जैसी हालत हो जाती है। आदमी सारे दिन पड़े रहता है कि पढ़ना पड़ता है, और वो फैक्ट है। यदि कोई आदमी बोल रहा है कि मेरे तो जीवन आराम से चल रहा था, वैसे मतलब कि गलती से यूपीएससी एग्जाम लिख दिया और सक्सेसफुल हो गया, तो या तो उसका बहुत ही भयंकर आईक्यू है इसलिए सेलेक्ट हो गया होगा, बाकी सभी को तो ना मतलब अपने आप को रगड़ना पड़ता है, अपने आप को मतलब घिसना पड़ता है, तब जाके ना वो लाइफ, वो सक्सेसफुल लोगों की सी लाइफ लगती है जो इजी लगती है। लेकिन उससे पहले मतलब कि एकदम हेल से निकलता है ना, तब जाके वो एक इजी लाइफ निकलती है। तो किसी की भी लाइफ और किसी का भी एग्जाम, मतलब जो लाइफ और एग्जाम है यूपीएससी का एटलीस्ट, वो सिंपल नहीं है, हार्ड है, एक्सेप्ट करो फिर तैयारी करो। सेवंथ है, टाइम इज एनर्जी, टाइम इज मनी। यार ये हम सब बहुत बड़ी गलती करते हैं। देख फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ना मतलब कि कोई टेबल टाइम है ना उसको बचाओ यार, जितना ज्यादा आप टाइम को बचा लोगे ना उतना ना मतलब कि गेम चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको कुछ ना टॉपिक है, मतलब कि जैसे कोई मतलब कि कहीं भी कोचिंग में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब कि आपको लगता है कि वो मतलब कि जो टॉपिक मैं 10 घंटे में पढ़ने वाला था वो ना अब मेरा 1 घंटे में तैयार हो जाएगा, तो ना मतलब आपको वो मनी इन्वेस्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जब मनी इन्वेस्ट करोगे आपके 9 घंटे बच गए, तो वो आपने टाइम बचा लिया। एक्चुअली इस एग्जाम की तैयारी करते समय स्टूडेंट के लिए टाइम ही सबसे बड़ी मनी है, टाइम ही सबसे बड़ी एनर्जी है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको ना गवर्नर और प्रेसिडेंट की कोई टेबल बनानी है, तो यदि आप ना A4 साइज शीट लेके यदि वो टेबल बनाने लग गए और 15-20 मिनट के बाद टेबल बना के आए मेरे पास कि सर देखो मैंने टेबल नोट्स बना लिया, आपने नोट सीरीज में बताया था कि टेबल नोट्स ऐसे बनाने, तो मैं यही कहूंगा कि आप बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी क्यों वेस्ट की, वो तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारी टेबल अवेलेबल है जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को ना कंपेयर कर रखा है, इसी तरीके से सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कंपेयर करने की टेबलें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारी। जैसे कि सर मैंने इथिक्स के एग्जाम्पल ढूंढे हैं 3 दिन बैठ के, अरे यार इथिक्स के एग्जाम्पल तो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, 3-4 टॉपर्स के अपलोड कर रखे हैं, तो आपके और एक इंस्टीट्यूट के भी अपलोड कर रखे हैं, तो 400-500 एग्जाम्पल वहां पड़े हैं। तो आप अपनी एनर्जी को बचाओ, आप अपनी जो टाइम है ना उसको बचाओ,
बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये टाइम और जो मतलब टाइम को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। सबसे जो ज्यादा काम आएगा ना, ना आपकी मनी काम आएगी, ना एफर्ट काम आएंगे, सबसे ज्यादा आपको टाइम काम आएगा उसके अंदर, तो उसको बचाना जरूरी है। तो आज ये हमने देखा कि ना मतलब कि क्या 7 रूथलेस नियम आप अपने जीवन में अपना सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से रूल आप अपनाते हो, कौन से रूल आप नहीं अपना पाते, या फिर आपका कोई 8वां ऐसा समथिंग रूल हो कि भैया ये भी ना रूथलेस रूल है ना जीवन में अपनाना चाहिए। तो एक बार यदि रिकैप करना चाहें, सबसे पहले डू द वर्क इमीडिएटली। कोई भी आइडिया है, कोई भी चीज करनी है, करो उसको उसी टाइम पे। उसको ना मतलब कि बार बार है ना मतलब कि वो मत छोड़ो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, फिर वरना वो कबीर वाला दोहा मैं लिख दूंगा। फिर अपने ऊपर रिलाई करो। कभी भी है ना मतलब सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोचिंग वालों ने गलत पढ़ाया, तो तुम्हें किसने कहा था कि कोचिंग वालों पे रिलाई करो, खुद के ऊपर रिलाई करो, अपने जजमेंट पे रिलाइज करो, अपनी बुद्धिमत्ता पे रियलाइज करो, यू विल गेट सक्सेस। फिर जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना उसको छोड़ दो। चाहे अब मुझे भी पता है टेंशन होती है भाई साहब, घर पे कुछ भी हो जाएगा टेंशन होगी, आपके जीवन में आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया टेंशन होगी, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है तो उसको छोड़ दो। फिर जितना भी टॉक्सिक कंटेंट है, चाहे वो ईटिंग हो, चाहे थिंकिंग हो, जो भी है उसको मना कर दो। फिर यदि आप सेम एफर्ट डालोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, इसलिए आपको अपने एफर्ट और अपनी स्मार्टनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी। 6th है कि लाइफ इज हार्ड, एग्जाम इज हार्ड, एंड इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर तैयारी आगे करनी पड़ेगी। और 7th है टाइम इज एनर्जी, टाइम इज मनी। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ना मतलब लाइफ में ना मतलब लाइफ में भी अच्छा करोगे और ना मतलब कि आप ना अपनी एग्जाम में भी अच्छा करोगे। तो ये 7 जो रूल्स हैं मुझे लगता है कि आप जरूर अपनाओगे और अपने रिजल्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करोगे। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।